ସ୍ୱର୍ଗ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ସମ୍ଭାର ନା ଏହାକୁ କେହି କେବେ କ୍ୟାମେରା ଲେନ୍ସରେ ସୀମିତ କରିପାରିଛି ନା କବିର କବିତାରେ। ଏଠି ସକାଳର କଅଳ କିରଣ ହେଉ ଅବା ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରେ ହୀରା ଭଳି ଚମକୁଥିବା କାକର ବୁନ୍ଦା, ସବୁଜ ବନାନୀ ହେଉ ଅବା ଅଳସୀ ଝରଣା, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଏହି ଉପମା ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମନକୁ କରିଥାଏ ରୋମାଞ୍ଚିତ। ହଁ, ଇଏ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଦେବଭୂମି। କିଛିଦିନ ତଳେ ଏଠାକାର ସରକାର ଏହାର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ବିନା କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇ ଶିଳ୍ପ ବିକାଶର ନାରା ଦେଇଥିଲେ। ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସହ ଏଠାକାର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବିବାହ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ହମାରି ୟହାଁ ମାନା ଯାତା ହେ କହା ଯାତା ହେ ଯେ ଶାଦୀ ହୋତି ହେ ନା वो जोड़े ईश्वर बनाता है, ईश्वर तय करता है जोड़ा। मैं समझ नहीं पा रहा हूं, जोड़े जब ईश्वर बना रहा है तो जोड़ा अपने जीवन की यात्रा उस ईश्वर के चरणों में आने के बजाय विदेश में जाकर के क्यों करता है? और मैं तो चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को मेक इन इंडिया जैसे है ना, वैसे ही एक मूवमेंट चलना चाहिए, मेड इन इंडिया, शादी हिंदुस्तान में करो। और यहाँ को दोहराई छंती उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, विदेश को न जाई एठारे ही विवाह पाई आह्वान दे छंती। यहाँ ऐसा फैशन चल गया देश के अंदर की लोग जो है विदेशों में अपना विवाह करने के लिए जा रहे थे, तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये जो विवाह है ये तो भगवान ऊपर से तय करके भेजता है। देवों की भूमि उत्तराखंड है, तो सब लोग आए और अपने बच्चों के, अपने परिवार के, नातेदारों के, रिश्तेदारियों को उनकी शादियां, उनके विवाह उत्तराखंड में आयोजित करें, उत्तराखंड में करें। उत्तराखंड देव भूमि इस दिशा में भी आगे बढ़ेगी। उत्तराखंड देव भूमि देशर अन्यतम पर्यटन स्थली, एठाकार पहाड़ी झरणा और घंच जंगल से ही मानू आकर्षित करिथाए जो माने प्रकृतिर कोल रे शांतिर मुहूर्त बिताइबा को पसंद करिथांती। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज। जदि आपणको आम वीडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।